चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। घटना बेंगलुरु प्रेस क्लब की है, जहां किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, उसी वक्त एक शख्स ने स्याही फेंक दी। इसके बाद टिकैत समर्थकों ने भी स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के समय टिकैत सहयोगी नेता युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इधर अपने ऊपर फेंकी गई स्याही के बाद टिकैत ने कहा कि ये जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस की है, यहाँ पुलिस ने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम हुआ है। स्याही फेंकने पर राकेश टिकैत ने कहा कि स्याही फेंकने और हंगामा करने वाले किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। किसान सभा के अध्यक्ष अवनीश पवार ने कहा कि जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं किसान यूनियन के महासचिव साबित मलिक ने कहा कि किसानों पर तो लाठीचार्ज तक हुआ है, हम तो शय से डरने वाले नहीं है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।